मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अब मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। कमलनाथ ने बताया, मैंने सलमान से इस बारे में चर्चा की है, उन्होंने भी इस पर हामी भर दी है। बताने की जरूरत नहीं है कि सलमान खान की पारिवारिक जड़ें इंदौर में हैं। सलमान खान का पैतृक निवास इंदौर में है, यहीं के कल्याणमल नर्सिंग होम में उनका जन्म हुआ था। सलमान ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी वक्त गुजारा। सलमान के पिता सलीम खान इंदौर में ही पले बढ़े और जवान हुए। बाद में फिल्म इंडस्ट्री के काम के लिए वो मुंबई चले गए। शुरू में एक्टिंग के बाद उन्होंने एक सफल और सेलिब्रिटी राइटर के तौर पर काम किया। कंगना के बयान पर आया आलिया का रिएक्शन। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दोनों को राजनीतिक मसलों पर चुप्पी साधे रहने के लिए खूब खरी खरी सुनाई थी। एक कार्यक्रम में पहुंची आलिया से जब पूछा गया कि वो कंगना के इस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से इसका जवाब दिया। आलिया ने कहा, मेरे पास कंगना की तरह बेबाक बात करने की कला नहीं है और मैं उनके इस बेबाक अंदाज का काफी सम्मान करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कंगना का कहना बिल्कुल सही है। हम लोग कई बार ऐसे मामलों पर बोलने से बचते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्यों खामखा बोलना। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि दुनिया में सबके इतने विचार हैं कि अगर आप अपनी राय सबके सामने नहीं रखोगे तो भी ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी। आलिया ने आगे कहा, मेरे पास एक विषय पर एक अलग विचार है, लेकिन मैं अपने विचार अपने तक ही रखना चाहती हूं। कंगना को मुबारकबाद, वो बहुत ही अच्छा बोलती हैं। मलाइका अरोड़ा को लेकर बोले अरबाज खान। अरबाज खान इन दिनों अपने नए सेलिब्रिटी शो के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उनके नए शो पिंच में अरबाज सेलिब्रिटी से सिर्फ उनके फिल्मी प्रमोशन के बारे में या गॉसिप के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो कई मुद्दे भी उठाएंगे। शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनसे जानना चाहा कि इस बार शो में सलमान खान क्यों नहीं है, तो अरबाज का कहना था कि ऐसा नहीं है कि सलमान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन मैंने ही उनको कहा कि आप अगले सीजन से आना, इस बार के सीजन में मैं अपने दम पर शो करना चाहता हूँ। चूंकि आप आओगे तो लोगों को लगेगा कि घर की बात है और सलमान आया इसलिए शो हिट हो गया। इसलिए अरबाज का कहना है कि वो चाहते थे कि पहले सीजन में वो देखना चाहते हैं कि वो खुद इस शो को कामयाब बनाने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं। जब मीडिया ने अरबाज से जानने की कोशिश की कि क्या वो शो पर मलाइका अरोड़ा को भी बुलाएंगे, अरबाज ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं अब इसको यहीं खत्म करता हूं, वरना आप सवाल करोगे, जवाब जो भी होगा उस पर ही पूरी कहानी बनेगी, इसलिए इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लाहौर की हीरा मंडी के लोहार बनेंगे वरुण धवन। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म कलंक का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में वरुण धवन के तेवर काफी दमदार नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। लंबे बालों में नजर आ रहे वरुण ने कान में बाली पहन रखी है। उनका ये लुक बता रहा है कि ये फिल्म किस तरह की होगी। फिल्म के इस फर्स्ट लुक पर गौर करेंगे तो आपको उनके रोल की हिंट भी मिल जाएगी। पोस्टर में नीचे की तरफ एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है जिसमें एक इंसान हथौड़ा चलाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फिल्म में वरुण धवन लोहार के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में होंगे और वो लाहौर की हीरा मंडी के एक लोहार की भूमिका निभाएंगे। कलंक की कहानी अंग्रेजों के दौर में लाहौर की हीरा मंडी के लोहारों द्वारा की गई बगावत के इर्द गिर्द बुनी गई है। बॉबी देओल का बेटा एक ही दिन में बन गया बड़ा स्टार। बॉबी देओल हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बॉबी को सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के लिए भी रोल ऑफर हुआ है। इस बार बॉबी देओल नहीं बल्कि उनके बेटे आर्यमन को लेकर बड़ी खबर आई है। बॉबी देओल ने अपने बर्थडे पर बेटे आर्यमन के साथ तस्वीर पोस्ट की थी। अब खबर है कि बॉबी देओल के बेटे आर्यमन को यशराज प्रोडक्शन से फिल्म का ऑफर आया है। यशराज बैनर को लगता है कि बॉबी देओल के बेटे में हीरो बनने के सारे गुण हैं। आर्यमन अपने पापा बॉबी की तरह ही स्मार्ट और डैशिंग नजर आते हैं। आर्यमन को ये ऑफर तो मिला लेकिन बॉबी देओल के कहने पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। बॉबी के अनुसार आर्यमन को अभी डेब्यू करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लें और उसके बाद वो फिल्मों में कदम रख सकते हैं। इन सेलेब्स के साथ जुड़ चुका है कंगना रनौत का नाम। कंगना रनौत का नाम शुरुआती करियर में आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। कहा यह भी जाता है कि कंगना को फिल्मों में आदित्य की वजह से ब्रेक मिला, लेकिन चौंका देने वाली रिपोर्ट तब आई जब कंगना ने आदित्य पंचोली पर शोषण करने का आरोप लगाया। कंगना और शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के रिलेशनशिप की भी खूब चर्चा रही। दोनों 2009 में फिल्म राज से करीब आए थे। अध्ययन ने कंगना पर काला जादू तक करने का आरोप लगाया था।
कंगना और ब्रिटिश डॉक्टर निकोलस लाफर्टी के भी अफेयर की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन दोनों का रिलेशन दूर तक नहीं चल सका। कंगना और ऋतिक रोशन के अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। खबरों के मुताबिक कंगना और ऋतिक फिल्म क्रिश के दौरान करीब आए। कंगना ने ऋतिक पर शादी का वादा करके मुकर जाने का भी आरोप लगाया। दोनों स्टार्स के बीच की लड़ाई सालों से सुर्खियों में है। स्विम सूट पहन पूल किनारे दिखी डायन। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा मोनालिसा टीवी पर डायन के रोल में नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने स्विम सूट में फोटो शेयर कर सनसनी मचा दी है। भोजपुरी फिल्म की हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेस ने एक दिन पहले एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो रंग बिरंगे स्विम सूट में आराम फरमाती नजर आ रही हैं। ये फोटो पूल के किनारे का है। मोनालिसा अपने बोल्ड अंदाज से लाखों लोगों को दीवाना बना चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मोनालिसा का सेक्सी अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। यही वजह है कि मोनालिसा सोशल मीडिया पर भी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। इस फोटो को अब तक कई हजार लोगों ने पसंद किया है। उनका ये अंदाज फैंस को इतना पसंद आया कि कमेंट में यूजर्स ने उनकी तारीफ के पुल बांध दिए। एक यूजर ने लिखा, ओ माय गॉड, डायन का ये रूप पहले नहीं देखा। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। यूजर्स ने कमेंट में उनके लिए सेक्सी, हॉट, बोल्ड, नाइस पिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बार जुकरबर्ग को पीछे छोड़ सबसे कम उम्र में अरबपति बनी ये एक्ट्रेस। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पछाड़। 21 साल की हॉलीवुड टीवी स्टार कायली जेनर सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने कायली जेनर को सेल्फ मेड अरबपति का नाम दिया। कायली ने 2015 में अपनी कॉस्मेटिक्स कंपनी की शुरुआत की थी। पिछले साल कायली कॉस्मेटिक्स ने $360 मिलियन का कारोबार किया था। कायली अपनी सौतेली बहन किम कारदार्शियां के साथ एक टीवी शो कीपिंग अप विद कारदार्शियां से भी पैसा कमाती हैं। ये शो भी फोर्ब्स 2019 की लिस्ट में 257 नंबर पर रहा। अरबपति बनने के बाद कायली ने कहा, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी, मैंने भविष्य नहीं देखा था। मायापुरी न्यूज इन में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।